खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति कार्डधारी परिवार को नियमित और नियम अनुसार 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन मिलना चाहिए। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ललितपुर जनपद के मेहरौनी ब्लॉक ग्राम पंचायत लरगन में लाड़ कुंवर सहित 80 परिवारों को 3 माह से यूनिट के हिसाब से राशन न मिलने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है? बहुत परेशानी है, खाने पीने की परेशानी है, हर कक्ष की परेशानी है। मूल्य के भी खा रहे, सूची में नाम है, अनाज देती नहीं है। कौन नहीं देता अनाज? कोटीदार। आप गई हो कोटा लेने? क्या देती हैं? क्या कहते हैं? कहते नहीं है, तुम्हारे तो कारट नहीं है, अनाज नहीं देती हैं। आपको क्या परेशानी हो रही है? सर परेशानी ये हो रही है कि मुझे खाद्यान्न ढंग से नहीं, अच्छे से नहीं मिल रहा है मेरा खाद्यान्न। क्यों? पता नहीं सर, जो परमट ले जाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें 4 यूनिट चढ़े हुए हैं, 2 यूनिट का देता है, बस इतना ही मिलेगा, और पैसे जो उस पर लिखा रहता है उससे ज़्यादा पैसा लेते हैं सर। तो आपको कितना मिलता है सर? 4 लोगों को? 4 लोगों को 10 किलो अनाज मिलता है। कितना मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए 20 किलो। ये कंट्रोल की समस्या है, कंट्रोल की समस्या। गाँव वाले आते हैं मेरे पास कि खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, यहाँ कम से कम 1250 की वोटिंग है, 1250 की वोटिंग में 500 आदमियों को गल्ला नहीं दे रहा है, जबकि उनके पास खाद्यान्न के परमट हाथ में हुए हैं, सब है, ऑनलाइन करवा दिए, सब कुछ है, लेकिन वो गल्ला नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो 2-4, 10 आदमियों 50 आदमियों को गल्ला दे करके पूरा माल ब्लैक कर देता है। ये धमकी देता है वो कि अगर किसी ने जबरदस्ती की मांगी तो मैं हर जनरेटर लगा दूंगा। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग मेहरौनी तहसील के SDM के मोबाइल नंबर 9721121585 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं, जिससे इन सभी परिवारों को राशन मिल सके। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।